हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुदेश फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर ऑल वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी हिंदी की जो हमारी बुक है भाषा सेतु, वो हम हमारे सेकेंड क्लास की आज हिंदी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो हमारी पोइम रीड की थी देश हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर पोइम? देश हमारा। डियर स्टूडेंट्स, कल उस जो हमारी जो पोइम थी, कविता थी, उसे हमने पूरी तरह से रीड कर लिया था और उसके जो वर्ड मीनिंग थे वो भी हमने कर लिए थे। डियर स्टूडेंट्स, कल आपको एज ए होमवर्क जो क्वेश्चन आंसर करने के लिए मिले थे, आई होप आपने क्लियरली कर लिए होंगे एंड आप चेक कर लीजिएगा कि आपने करेक्ट किए हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इस कविता में प्राणों से प्यारा किसे बताया गया है? डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस पोइम की फर्स्ट जो हमारी लाइन थी उसी में ही जो हमें दिया गया था, सबसे सुंदर देश हमारा हमको यह प्राणों से प्यारा, उसी पोइम में। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है इस कविता में प्राणों से प्यारा किसे बताया गया है? देश को। ओके स्टूडेंट्स, द सेकंड क्वेश्चन भारत देश का रूप संवार कर कैसा बनाया गया है? डियर स्टूडेंट्स, भारत देश का रूप संवार कर कैसा बनाया गया है? जग से न्यारा। हिमालय किस दिशा में अवस्थित है? हिमालय जो हमारा पर्वत है वह किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर दिशा में। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन इस कविता के अनुसार वर्षा कैसे होती है? कि जो इस कविता के अनुसार वर्षा जो है वो कैसे होती है? बादल जब हिमालय पर्वत से टकराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें इस पोइम में बताया गया था कि जब बादल जब हिमालय पर्वत से टकराते हैं तो वर्षा होती है। फिफ्थ क्वेश्चन सागर किस देश में भारत माता के चरण पखारता है? किस दिशा में भारत माता के चरण पखारता है? दक्षिण दिशा में। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन किस नदी को कवि ने इस कविता में पावन बताया गया है? गंगा नदी को। डियर स्टूडेंट्स, इस जो ये कविता थी या पोइम थी इसमें गंगा नदी के बारे में बताया गया था कि वह कितनी पावन और निर्मल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सोचो और बताओ। डियर स्टूडेंट्स, आप इन्हें भी चेक कर लीजिएगा, इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? इस कविता में हमारे देश का गुणगान किया गया है। हिमालय पर्वत भारत पर क्या उपकार करता है? प्रतिपल रक्षा करता है हमारे देश की, या हर पल रक्षा करता है। थर्ड दक्षिण में सागर किसके चरण पखारता है? कि दक्षिण दिशा में जो सागर है वह किसके चरण पखारता है? भारत माता के। ओके स्टूडेंट्स, गंगा की धारा कैसी है? कि जो हमारी गंगा नदी है उसकी धारा कैसी है? पवित्र। हमारा जीवन सफल कैसे बन सकता है? डियर स्टूडेंट्स, हमारा जीवन सफल कैसे बन सकता है? मातृभूमि की सेवा करके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टिक वाले क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, सही उत्तर पर टिक करने जो चिन्ह लगाना है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? अरब सागर या हिंद सागर? द राइट आंसर इज़ हिंद महासागर। सेकंड जब बादल टकराते हैं तो क्या होता है? वर्षा होती है या बिजली चमकती है? क्या होता है? वर्षा होती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स कल बाकी रह गए थे वो हम आज करेंगे। आप अपनी बुक में इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा एज ए होमवर्क। देश हमारा कविता का सार अपने शब्दों में लिखें। डियर स्टूडेंट्स, आपके अकॉर्डिंग इस कविता का जो सार है या जो इसका इसके क्या अर्थ निकल रहा है, क्या इसका मीनिंग निकल रहा है इस पूरी पोइम का, वो आपको अपने शब्दों में, यानी कि आप किस नज़रिए से उसे देखते हैं, आपको यहाँ पे राइट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट दिए गए संयुक्त वर्णों से बने दो नए शब्द लिखो। यहाँ पे श प्लस ट शट जैसे इसका कष्ट बन गया, या आपको यहाँ पर इसी वे से आपको दो वर्ड और लिखने हैं। न प्लस य ने का यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल हमें न्यारा दिया गया।
टू वर्ड्स आपको यहाँ पे भी राइट करने हैं, प प्लस य, प्यारा प्यारा। आपको पे काब के भी टू वर्ड्स जो हैं यहाँ पे राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखें। पर्यायवाची या समानार्थी मतलब जो इसके सेम मीनिंग निकलता है, फॉर एग्जांपल जल का पानी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप ये इजीली कर लेंगे। सागर के भी यहाँ पर दो पर्यायवाची लिखने हैं, जल के भी दो लिखने हैं, बादल के भी दो लिखने हैं और जग के भी दो लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, जानो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप जानती होंगी दिशाएं चार होती है। कौन कौन सी दिशाएं होती है हमारी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता को याद करो और मिलकर गाओ। डियर स्टूडेंट्स, आप इस कविता को याद करके आपके घर में आपके भाई बहन होंगे ना जो आपके इससे छोटे या बड़े, आप उनके साथ मिलकर इस कविता को गाना। ओके स्टूडेंट्स, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों की सूची बनाओ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें इस पोइम में भी जो एज ऑप्शन क्वेश्चन में दिए गए थे उनमें कुछ नदियों के नाम दिए गए थे, तो हमें ना कुछ और नदियों के नामों की सूची बनानी है। भारत के कुछ ऋषि मुनियों के संबंध में अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से जानकारी प्राप्त करें। जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड आवर पोइम। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।